भूख लगी है मेरी बच्ची, मैं तुझे रोटी बनाकर खिला दूंगी तो आटा कम हो जाएगा, और अगर आटा कम हो गया तो डाकू जालिम सिंह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी बच्ची, रजनी तू रो मत, नहीं तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी प्यार हो। इससे पहले जालिम सिंह आए तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें उठा ले जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखो तुम्हें मेरी कसम है, मैं अपने सामने तुम्हारी इज्जत जालिम सिंह के हाथों लूटते हुए नहीं देख सकता। हम जिंदा रहेंगे तो हम फिर मिलेंगे। बापू कल मुझे स्कूल की फीस भरनी है, अगर कल फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। बेटे तुझे अगर मैं फीस दूंगा तो जालिम सिंह को क्या दूंगा? अगर उसके लिए पैसे कम पड़ गए तो वो हमें मार डालेगा। बेटे मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। जी साहब, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज। जी साहब। अरे उसके आगे क्या इरादे हैं? जल्दी बता। इस बार वो राजापुर पर हमला करने वाला है, और तुम इंस्पेक्टर गुप्ता साहब को बोला कि वो बंगला बाजार पे हमला करने वाला है। हाँ। तुम्हें मालूम है ना? हाँ। कि राजापुर और बंगला बाजार में 100 गज का फासला है। अगर इंस्पेक्टर को बात मालूम पड़ी तो हम उससे राजापुर नहीं पहुंचने देंगे। अरे नहीं मालूम पड़ेगा, तू भाग जल्दी, कोई देख लेगा। भाग जल्दी। कोई देखा तो नहीं? चलो 12, 13, 14, 15, 16 क्या बात है, 17, 18। हाँ तेरा बाप, मेरे देश के कानून में तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने हाथों से मारा गया।
उसका गला खुद ही की उंगलियों ने खोट दिया। साहब मुझे माफ कर दो साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। छलनी के सुराग से जो कंकर नीचे गिर जाते हैं ना, उन्हें फिर से चावल में नहीं मिलाया जाता। अवलदार तो गद्दार है और तुझे तेरी गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी, कानून तुझे सजा जरूर देगा। रही बात जालिम सिंह की, उसका मेरा सामना राजापुर में होगा। साहब नहीं, साहब नहीं। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। लगता है पांडे ने पुलिस वालों को गलत खबर नहीं दी, उसने जालिम सिंह के साथ गद्दारी की है। गद्दारी नीचे उतर, उतर नीचे। खुश मत हो दरोगा, कहीं ऐसा ना हो तेरी ये खुशी गम के सुराग में घुस जाए और तेरी ये जबान हलक में अपने आप फंस जाएगी। जालिम सिंह, तूने जब भी बोला बड़ा बोल बोला, लेकिन अब बड़े बोल को बदनसीबी के जहर में घोल के पी ले। जब तक अदालत तुझे फांसी की सजा नहीं सुनाती, तब तक हंस ले, जी ले। जिस दिन अदालत बात की तारीख सुनाएगी, तेरे चेहरे के साथ साथ तेरी हर चीज पीली पड़ जाएगी। मेरी हर चीज नीली हो या पीली, पर मैं तेरे साथ मौत की होली जरूर खेलूंगा। तभी तो गुप्ता जी तेरा हिसाब होगा चुकता। ये वर्दी नहीं कफन है, मेरी जान से बढ़कर मेरा कानून, मेरे देश की जनता, मेरा वतन है। याद रखना, मैं जब जब जन्म लूंगा तेरी मौत का कारण बनूंगा। नहीं डरेगा तू, जरूर डरेगा। भीगी बिल्ली की तरह डर के मरेगा। पापा। वाह वाह वाह। मालिक, ये दोनों बच्चे अल्लाह के फजल से इम्तिहान में पास हो गए। भाई हमें यकीन है कि हमारी बच्चियां जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होंगी। पापा मुझे जुड़ो और कराटे सीखना है। वो किसलिए बेटी? क्योंकि मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और मैं भी दीदी के साथ मिलकर कानूनों के दुश्मनों के साथ लड़ूंगी। शाबाश, और आप क्या बनेंगी? मैं तो कुछ भी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करूंगी। नहीं, हम तो अपनी बेटी काजल को वकील बनाएंगे ताकि वो अपनी दलीलों से जुर्म के दलालों का दिल हिला दे।
क्या बात है, आप लोग सब यहाँ आए हैं लेकिन ठाकुर नागपाल सिंह अभी तक नहीं आए हैं। कसम गजरे की खा के कह रिया हूँ, ठाकुर नागपाल जब पैदा हुआ था ना तो उसके गले में घड़ी लटकी थी, इसलिए वो वक्त का पाबंद है। उसने 11 बजे आने के लिए बोला था और 11 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है। चांद के निकलने और सूरज के ढलने में देर हो सकती है, शराब का नशा कभी जल्दी कभी देर से चढ़ता है, मगर नागपाल न समय से पहले आया है न समय गुजरने के बाद। वाह जिंदाबाद, कसम गजरे की खा के कह रिया हूं ठाकुर नागपाल आ गया है। ठाकुर नागपाल जब आता है तो मौत का सन्नाटा छा जाता है। साथियों, आज की मीटिंग में जालिम सिंह का ना होना हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ वो बिना सिंह का सांड है तो वो डाकू लेकिन लगता है भांड। औलाद हो या सांड की औलाद हो या वो भांड की औलाद हो, है तो अपना ही साथी, उसका पुलिस के शिकंजे से रिहा होना बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारी चंडाल चौकड़ी अधूरी है। वो कमबख्त थानेदार गुप्ता भी मुजरिमों से हिसाब चुकाए बिना नहीं मरता, आगे चल के हम सब के लिए जान के लाले पड़ सकते हैं। ए, हमारी दौलत और ताकत के बल पर तुम एमएलए बनी हो, कसम गजरे की खा के कह रिया हूं तुम्हारे होते हुए हमारी जान के लाले पड़ जाए तो तुम किस मर्ज की दवा हो। मैं दवा भी हूँ, दुआ भी हूँ, पाप भी हूँ और श्राप भी हूँ। तुम लोग देखना, मैं थानेदार गुप्ता का ट्रांसफर ऐसी जगह कराऊंगी जहाँ वो जाकर पागल हो जाएगा। वाह 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 वाह, तुम नेता लोगों में बस यही कमी है कि बिच्छू के कांटे का मंत्र नहीं जानते और शाम की बिल में हाथ डाल देते हैं। अरे नागपाल, मत भूलना कि तेरी मोटी खाल पुलिस के डंडे से आज तक बची हुई है, वो सिर्फ मेरी वजह से बची हुई है। मेरा एक इशारा तुम्हें सरकारी मेहमान बना सकता है। अरे तेरे इशारे को मैंने ठेंगे पे मारा, तेरे में इतनी ताकत भी नहीं कि तू मेरी शर्ट का बटन भी तोड़ सके। अरे हम लोग यहाँ सोचने के लिए जमा हुए हैं कि जालिम सिंह को किस तरह बाहर निकाला जाए। अरे झगड़ा वगड़ा करके कुछ नहीं होगा, जबकि हम एक ही हाथ की 5 उंगलियां हैं। अरे ठाकुर नागपाल सिंह ने सोच लिया है कि जालिम सिंह लोगों को सींग मारने के लिए कानून से कैसे रिहा होगा। थानेदार गुप्ता, अगर तुमने हमारे सरदार डाकू जालिम सिंह को रिहा नहीं किया तो हम तेरी बेटियों को मार डालेंगे। नहीं, नहीं। नहीं। मैं अपनी बेटियों के लिए कानून से गद्दारी नहीं कर सकता। मत भूलो कि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी बेटियों की रक्षा करोगे। तुम मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद भी तुम मेरी बेटियों की जिंदगी की रक्षा करोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपनी बच्चियों पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, कोई आंच नहीं आने। नहीं, नहीं, मैं अपनी बेटियों को मरने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा अपनी बेटियों को। जालिम सिंह, तुम्हें रिहा किया जाता है। अरे गुप्ता, कहां गई
गई तेरी एकड़ी, कहां गई तेरी अकड़? अरे जिसने भी जालिम सिंह की आंखों में आंखें डाली, मेरी नहीं समझ लो तुम्हारी, तुम्हारी हो गया मुंह काला। जालिम सिंह, अगर बेटियों की मोहब्बत ने मुझे जकड़ा ना होता तो तू आज मेरे सामने इस तरह खड़ा ना होता। आज तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन एक दिन तू अपने ही जूते से अपना सर पीटेगा, क्योंकि ये जंग का आगाज है और जो लोग आगाज को अंजाम समझते हैं वो भयानक मौत मरते हैं। ये जंग मैं जीत चुका हूं, अब ये हार एक नागन की तरह तेरे गले में लिपटेगी और तुझे डसेगी, और मरने से पहले कानून तुम्हारे से ये पूछेगा कि तूने जालिम सिंह को क्यों छोड़ दिया। तो मरने से पहले तेरे पास कोई जवाब है? नहीं है ना, तो मैं बताता हूँ उसका जवाब। उसका जवाब पता है क्या होगा? यार चल निकल यहाँ से। ठहर जा बिटुआ, मुझे खानदानी रस्म रिवाज पूरी करने दो। ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने? बड़ा बेवकूफ आदमी है। वाह ठाकुर वाह, क्या चाल चली है तुमने। इंस्पेक्टर गुप्ता को कुकुर बना दिया। अरे कसम गजरे की खा के कह रिया हूँ, ससुरा बहुत अकड़ता था, लोहा समझता था अपने आप को, टूटा तो ऐसे टूटा जैसे पापड़ टूटता है। अरे ठाकुर की अकल और यूपी का झापड़, खा के भला कौन जिंदा रह सकता है। नागपाल, तुमने अपनी खोपड़ी में कितने नागपाल रखे हैं? मेरी खोपड़ी में नाग भी है, आग भी है, और मौत का वो राग भी है जिसे सुनकर बिजली कड़कना और बादल गरजना भूल जाते हैं। आओ जोकर नंबर वन। मेरा नाम जालिम सिंह है, जालिम सिंह। मेरी एक ही धार थे, जंगल के सारे शेर धारना बंद कर देते हैं, और कुत्ते जिनकी तुम पीछे होती है उनकी तुम अपने आप टांगों में घुस जाती है। वाह वाह जालिम सिंह वाह, क्या बात है तुम्हारी। लेकिन एक बात तो बताओ, आने में इतनी देरी कैसे हो गई? अरे तुम्हारी आने की खुशी में हम लोगों ने कितना बड़ा जश्न रखा है। अरे क्या बताऊं, इन आंखों में इन उंगलियों में साली खुजली ही नहीं जाती, जब तक किसी तितली के पर नोच ना लूं साली इन उंगलियों की खुजली नहीं जाती। हाय हाय हाय, कसम गजरे की खा के कह रिया हूं, क्या कातलाना अंदाज है। ये नोचना खरोचना बंद करो, टनकपुर की नौटंकी देखो और अपनी आंखें सेको। सैया लगाऊं मैं जब थोड़ा ठुमका, जब ठाए तो ये तुम
का ये तो रात बनवा करे तंग हमका वो कोरी गजब डाए तो लाए तुमका ये तो रात बनवा करे तंग हमका ये दिल हमरा बोले तू आ होले होले ये दिल हमरा बोले तू आ होले होले तू काहे ना पाते तूने मुझे न सताए मुझे न सताए खूबसूरत है तोरी जवानी बड़ी खूबसूरत है तोरी जवानी तू ले जा मेरी जान सुमा निशान ये बदली थी चुप चुप के ये कह रही है तू लग जा गले आहे को डर रही है कुछ तो मुझे तू बता हुई क्या पता हुई क्या पता तोहरा जो बनवा करे तंग हमका से गद्दारी की है अपनी वर्दी से गद्दारी की है मैंने तेरी मोहब्बत ने मुझे कानून का गद्दार बना दिया तेरी मोहब्बत ने मुझे गद्दार बना दिया क्या किया मैंने क्या किया मुझे जीने का कोई हक नहीं कोई हक नहीं मुझे माफ कर देना ये आपने क्या कर लिया पापा ये आपने क्या कर दिया पापा जिन लोगों की वजह से आपको आत्महत्या करनी पड़ी है
मैं उन लोगों को जीने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पुलिस ऑफिसर बनना पड़े या कुछ और। अरे निकाल घर के बाहर, एक सामान साइड। अरे अटक, चल चल बाहर, फेंको सामान साइड। माधो सिंह, ये क्या कर रहे हो भाई? क्यों हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हो भाई? रास्ते से हट जा वरना तुझे भी बाहर फेंक दूंगा। जंगल राज है क्या जो हमें मिलकर मकान से बाहर निकाल दिया? तुम हमारे किराएदार हो, मकान मालिक नहीं। तुम मालिक थे, आज से मैं इस मकान का मालिक हूँ। अपनी जान की खैरियत चाहता है तो चला जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी बोटियाँ छत में फेंकवा दूंगा। माधो सिंह, कानून से डरो, कानून से नहीं तो भगवान से डरो। कानून और कानून वालों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ठाकुर के आदमियों पर हाथ डाल सके। और ये मिट्टी की मूरत, तेरा भगवान, मैं जब चाहूँ इसकी सूरत निकाल सकता हूँ। भगवान की सूरत बिगाड़ने वाले नास्तिक, समझ ले आज तेरी तकदीर बिगड़ गई। कौन है तो? जिसने कानून और भगवान का मजाक उड़ाया, समझ लो इंस्पेक्टर तेजस्विनी ने उसकी जान को उड़ाया। आपकी बात को इस बार मान लेते हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। मेरे कानों में अपनी आवाज की ठोकरें मत लगा, जल्दी से बोल जो बोलना है। वो जो तेजस्विनी है ना इंस्पेक्टर। अरे बात को रबड़ की तरह खेची जा रहा है, खेची जा रहा है। जल्दी से बोल, नहीं तो तुझे इंसाफ के तराजू में तोल डालूंगा मैं। उसने माधव सिंह को मार के लॉकअप में बंद कर दिया। अरे कमिश्नर, ये कौन है ये इंस्पेक्टर तेजस्विनी? बहुत बहादुर और चालाक लड़की है, लगता है उसने शेरनी का दूध पिया है और अक्कल लोमड़ी से उधार लिया है। हर बात में कानून की दुहाई देती है। हम उसके मुंह पर ऐसा कानून का ताला लगाएंगे कि वो कानून की भाषा भूलकर हमारी भाषा बोलेगी। पहले मैं उसके कान को थोड़ा गरम और उसकी मोटी चमड़ी को थोड़ा नरम तो कर लूं। इंस्पेक्टर तेजस्विनी। यस सर। मैंने सुना है तुमने माधो सिंह नाम के शरीफ आदमी को झूठे इल्जाम में अंदर बंद करके रखा है। ये झूठ है सर। ये देखिए, राधे श्याम का बयान इसी फाइल में है। उसमें लिखा है कि माधव सिंह ने उसके घर पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है। गवाहों के बयान भी इसी फाइल में है सर। ठीक है, मैं इस फाइल को स्टडी करके डिसाइड करूंगा कि आगे क्या करना है। इसे मैं ले जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे इस फाइल की रसीद चाहिए कि ये फाइल आप ले जा रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस, तुम जानती हो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ, तो फिर भी मुझसे रसीद मांग रही हो। सर, कानून कभी भी जुबानी जमा खर्च नहीं करता।
जो भी काम करता है लिखित में करता है, और मैं जो भी काम करती हूँ कानून के दायरे में करती हूँ। तुम सोचती हो कानून से तुम जानती हो। वेरी गुड इंस्पेक्टर तेजस्विनी, मैं बहुत खुश हूँ ये देख कर कि तुम कानून की कितनी कद्र करती हो। आपकी तारीफ। मेरा नाम कविता त्रिपाठी, मैं MLA हूँ। थोड़ी देर पहले श्यामलाल ने लिखित बयान दिया है कि माधव सिंह को उसने अपना मकान बेच दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले तुम ये फाइल पढ़ लो, फिर तुम्हारी ना हाँ में बदल जाएगी। इंस्पेक्टर तेजस्विनी, तुम कानून के इशारे पर चलती हो और हम कानून बनाते हैं, और कानून बनाते वक्त आप जैसे विधायक कानून को थोड़ा कमजोर रखते हैं ताकि वक्त आने पर उसे तोड़ दिया जाए। इंस्पेक्टर बिहेव योरसेल्फ। हवलदार, माधव सिंह को छोड़ दो। जी। निकाल निकाल निकाल, देखो उस साले मच्छर के पैकेट में क्या है। बहुत माल होगा। अबे निकाल ना माल वाल, क्या कर रहा। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, देख कितना कमीना इंसान है, पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं, और ये निरोध का पैकेट। निरोध का पैकेट? अबे कमीना इंसान नहीं है वो बहुत ही होशियार आदमी है। तुझे मालूम है ये किस काम आता है? किस काम आता है? अबे ये टोपी देख, उतारी ना मैंने, और ये टोपी पहन ली ना, समझा ना? हमारे देश की आबादी रोकने के काम आता है, जितनी भी गंदी गंदी बीमारियां होती है उसको दबाने के काम आता है। अच्छा, और तुझे मालूम है अगर ये नहीं होता ना तो हम जैसे छुटपुंजी पॉकेट मारना गली गली कूचो कूचो में पैदा हो रहे होते, समझा गया? सुन, बात नेतागिरी झाड़ लिया, अब नेतागिरी छोड़। सुन, आज करोड़ी मल के घर चलते है और वहाँ करोड़ों के माल पे हाथ साफ करते है। आइडिया तो तेरा नेक है, क्यों ना इस पे अमल किया जाए। बिल्कुल अमल किया जाए। आज रात ही उसका गेम बजा डाले क्या? चल बाप जल्दी। मुबारक हो ठाकुर साहब, आप जो चाहते थे वो हो गया। कविता, तुम सैंडल पहनती हो? हाँ। और कभी सैंडल में से कील बाहर निकलकर तुम्हारे पाँव में चुभे तो तुम क्या करती हो? कारीगर उस कील को हथौड़ी से ठोक कर फिर से सैंडल के अंदर कर देता है। यानी कि तुम खतरे को पाल कर रखती हो। वो कील फिर से वापस निकलकर तुम्हारे पाँव को जख्मी कर सकता है। मेरी सलाह मानो, उस कील को अपनी सैंडल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंक दो ताकि जिंदगी भर तुम कभी जख्मी ना हो सको। ये क्या, आप सैंडल और कील की बातें लेकर बैठ गए? जूते और सैंडल की दुकान खोलनी है क्या? अरे ओ, दुकान बंद कर और अपने अक्कल की खिड़की खोल। अक्कल की, ये जो तेजस्विनी है ना, ये वो कीला है जो हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकती है। इसका टूटना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या कसम गजरे की खा के कह रहा हूँ ठाकुर, वो खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। वो कैसे? माधव सिंह उस कील का मुंह तोड़ जवाब देगा, सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये पेड़ किसने माधव सिंह, तू? हाँ, तेरे लहू का प्यासा माधव सिंह। तूने धोखे से वार किया है, जबकि खून पीने वाले दरिंदे भी धोखे से वार नहीं करते। मैं दरिंदा नहीं, शैतान का बंदा हूँ। इतना गंदा हूँ कि सड़ी हुई लाश से भी मुझे देखकर घिन खाती है। तेरा ये नापाक वजूद जिंदगी से हट जाएगा तो इस तरह मिट जाएगा जिस तरह पानी में बनी लकीर मिट जाती है। Oh!
तो रुको चलो चल वीरू साले को अरे ये तो जख्मी हो गई है चल 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 चला जा
इंस्पेक्टर तेजस्विनी बच गए, ये कैसे हो सकता है? माधव सिंह का वार कैसे खाली चला गया? कैसे खाली चला गया? मैं जिनके नसीब में जिंदा रहना लिखा होता है ठाकुर, वो कफन ओढ़ने के बाद भी नहीं मरता। तू यहाँ क्या लेने आई है? मैं माधव सिंह को गिरफ्तार करने आई हूँ ठाकुर, उसने मुझ पर कातिलाना हमला किया है। मैं किसी माधव सिंह को नहीं जानता। जान जाओगे, और उस वक्त तुम अपनी जान से जाओगे, और ये भी जान जाओगे कि मुजरिम को पनाह देना कितना खतरनाक होता है। इंस्पेक्टर, मैं ठाकुर हूँ ठाकुर, हर खतरे की नाक को काटने में मास्टर हूँ। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो गीले कपड़े की तरह तुम्हें निचोड़ कर सूखने के लिए मौत की रस्सी पर उल्टा लटका दूंगा। तू मास्टर नहीं, तू वो बेवकूफ माचिस की तीली है जो बड़े शौक से अपने मुंह पर बारूद मलती है, मगर जब जलती है ना तो खुद भी बारूद के साथ जलकर खाक हो जाती है। इंस्पेक्टर, शीशे के मकान में रहने वाले कभी शीशे से जख्मी नहीं होते, क्योंकि उनको शीशे से बचने का हुनर आता है। हुनर पर नाच करने वाले की शक्ल उस वक्त देखने के काबिल होती है ठाकुर, जिस वक्त चावल खाते खाते उसके दांत के नीचे कंकर आ जाता है और दांत तोड़कर साथ में ले जाता है। याद रखना, माधव सिंह एक दिन खुद मरेगा और तुझे भी मरवाएगा, ये मेरा दावा है। अरे भगवान भी हम पर कितना मेहरबान है, इस साल बरसात इतनी हुई कि सैलाब से पूरी फसल नष्ट हो गई और सूखे ने तो तबाही मचा दी। अब हम गेहूं सोने के भाव में और चावल चांदी के भाव में बेचेंगे, ब्लैक करेंगे सारा अनाज। तब तो दुकान पर बोर्ड लगा देता हूँ, गेहूं 25 रुपए किलो और चावल 50 रुपए किलो। अबे दौलत राम, तू तो सिर्फ नाम का दौलत राम है यार, अकल के मामले तेरी खोपड़ी किसी अपाहिज फकीर की तरह हमेशा भीख मांगती रहती है। जब भी बोलेगा सच बोलेगा, मगर आप अपनी बात का मतलब तो बता दो। अबे ब्लैक का मतलब होता है काला, और काला धंधा हमेशा काली रात में होता है। जब अपनी दुकान के सामने अनाज नहीं का बोर्ड लगा दे और सारा अनाज गोडाउन में छुपा दे। गेहूं नहीं, चावल नहीं, शक्कर नहीं, दाल नहीं, तेल नहीं, कुछ भी नहीं। बाहर बोर्ड लगा रखा है और अंदर सारा माल भरा पड़ा है। सुबह 2 ट्रक माल आया था, अभी जाके साहब को बताता हूँ। हाँ, सरकार सरकार ओके। गांव के लोग भूखों मर रहे हैं और राशन की दुकान पे राशन नहीं का बोर्ड लगा रखा है। इन सब बातों का मुझे भी पता है, लेकिन उन अनाज चोरों के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और अगर सबूत मिल जाए तो? अगर सबूत मिल जाए तो मैं उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए पल भर की देरी भी ना लगाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। चलो। डर के मारे वो हमारे साथ नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन उसने कंप्लेंट तो दी। चलो देखते। हवलदार, ताला तोड़ो। ताला तोड़ने से पहले ये सोच लो दरोगा कि तेरा अंजाम क्या होगा। मेरा अंजाम याद दिलाने वाले, पहले तू ये बता तू है कौन। मैं हूँ दौलत राम, बुजारी का गुलाम। ताला तोड़ने से पहले दरोगा, इन हरे हरे नोटों का ताला अपने मुंह पर लगा लो, वरना मौत की माला तेरे गले में लटक जाएगी और पलक झपकते ही तेरी उम्र घट जाएगी। मरघट के डोम ओम का नाम लेकर लाशें तो जला सकते हैं, मगर दौलत राम किसी की कुंडली नहीं बदल सकते। अब मुझे देखना है गुलजारी किस नाम की तरकारी है, और उसे देखने के लिए तुझे दर्द देना जरूरी है दौलत राम। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
अरे बंद कर दिया मेरे को। कसम गजरे की खाके कह रही हूँ, बहुत दुख की बात बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर तेजस्वनी ने मेरे सारे गोदाम पर छापा मारकर सारे अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लिया और मेरे खास आदमी को जेल की सलाखों के पीछे पछाड़ दिया। ए गुलजारी, मार मार के बनारस से पहुंचा दूंगा इटारी। ये खास आदमी क्या होता है? कसम गजरे की खाके कह रिया हूं ठाकुर, इतनी सी बात नहीं समझ रही हो? खास आदमी वो होता है जो सब सुख दुख में साथ देता है। जब मेरा रोने को जी चाहता है वो रो लेता है, शराब मैं पीता हूं नशा उसे चढ़ जाता है, और जब मैं किसी का खून करने की सिर्फ सोचता ही हूं तो वो खुद मेरे पास आके बोलता है कि मैंने तो उसका खून कर डाला। वाह, और कभी तुम्हारा दिल होता है किसी लड़की के पास जाने का, वो ऑलरेडी वहां पर जाकर उस लड़की के साथ मिल चुका होता है। ठाकुर ये काम छोड़ के सारे काम करता है, गलत फहमी में मती रहियो। बिल्कुल सही, वैसे गुलजारी ठीक कह रहा है, ऐसे खास आदमी को जेल से ये नामुमकिन है। पिछली बार कविता जी ने अनोखी चाल चल के उसे मात दे दी थी, लेकिन इस बार वो केस को बहुत केयरफुली हैंडल कर रही है। हो सकता है कि वो सारा का सारा ढोंग सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि हम उसे रिश्वत दें। ना 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 ना, मुझे नहीं लगता कि वो रिश्वत लेगी। फिर भी माया के तीन रूप होते हैं, माया मुइना मनमुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह के संत नागपाल जी। नमस्ते, आइए बैठिए। मेरा नाम हलवा सिंह है, मैं आपको दौलत का जलवा दिखाने आया हूँ। दौलत का जलवा, वो भी मुझे? ये मेहरबानी किस लिए? इसलिए कि आप जवानी की जोश में होश ना खो बैठे और ये मत भूल जाए कि इस गांव में ठाकुर का हुक्म चलता है। और मुझे अधूरी बात करने वालों से सख्त नफरत है, पूरी बात करो। ठाकुर साहब ने इसलिए आपके लिए नजराना पेश किया है और कहा है कि दौलत राम को छोड़ दो। नहीं तो फिर अधूरी बात? जो पुलिस वाले ठाकुर साहब का हुक्म नहीं मानते हैं तो उनकी लाश या तो कुएं में या फिर तालाब के किनारे मिलती है। जिन पुलिस वालों में ईमान और हिम्मत की कमी होती है उनका अंजाम यही होता है, मगर मेरा अंजाम ये नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने फर्ज को अपने बदन पर लोहा बनाकर लपेट लिया है और इस लोहे से टकराकर सैकड़ों ठाकुर मर जाएंगे, मगर मेरे जूते की पॉलिश तक कम नहीं होगी। क्या ये जवाब मैं ठाकुर साहब तक पहुंचा दूं? जवाब तो मैंने लिख दिया है लेकिन अभी तक साइन नहीं किया, पहले मैं इसे साइन तो कर लूं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इंस्पेक्टर तेजस्विनी, यू में प्रोसीड नाउ। मिलॉर्ड, इस बोरी में वो गेहूं है जो सरकार राशन की दुकान पर बेचने के लिए दुकानदारों को सस्ते में देती है और ये लोग इस अनाज की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। सारी बहस सुनने के बाद अदालत जब्त किया हुआ अनाज एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती है। देखिए मिलो, क्या बात है, ये देखिए अनाज की जगह भूसा कहां से आ गया? इन झूठे सबूतों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दौलतलाल बिल्कुल बेकसूर है, इसलिए यह अदालत दौलतलाल को बाइज्जत बरी करती है। इंस्पेक्टर तेजस्विनी, अगर आप दोबारा यहां पर झूठा केस लेकर आएंगी
तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। जी मिलो। अरे क्यों रिया? साली अपने आप को तुर्रम खान समझती थी। अरे तुर्रम खान समझे तो समझे, हम भी तुर्रम खान से कम नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से कम नहीं है। बात ज्यादा मती करियो। चलो यार। दौलत राम और गुलजारी ने चाल चलकर गेहूं की बोरियों में भूसा डालकर इस केस का रुख तो पलट दिया, मगर मैं उन्हें आइंदा बच निकलने का मौका नहीं दूंगी। मुबारक हो मैडम, बहुत बहुत मुबारक हो। तू इधर बैठ, अब जरा बात कर ले। हाँ तो मैडम, इस केस के हारने की खुशी में अब तेरे को ये हार पहनाने को आया है। इसका एक फूल कानून है, एक फूल कमिश्नर है, एक फूल जज है और एक फूल वकील है। और जो छोटी छोटी कलियां देख रही ना आप, ये वो झूठे गवाह है जो टके टके में बिकते हैं। अब उन बोला था ना मैडम तेरे को कि आप अकेले इन लोगों से ये जंग नहीं जीत सकती, किसी कीमत पर भी नहीं। राजू, मैं इन सब को कुचल डालूंगी। मैं इन लोगों को दिखा दूंगी कि इंस्पेक्टर तेजस्विनी किसी लड़की का नाम नहीं, सूरज से निकली हुई वो आग है जो कानूनी नागिन बनकर इन मुजरिमों को हमेशा डसती रहेगी। मैडम आप शायद भूल रही हैं, नागिन सबसे जीत सकती है लेकिन नेवले से नहीं। आज बेईमानी, मक्कारी, दगाबाजी हर इंसान में कूट कूट कर भरी है। अगर आप इस दुनिया में जीना चाहती हैं, तो आपको उनके जैसा ही बनकर जीना पड़ेगा। आपको शायद मालूम होगा कि एक तिनका कभी लहरों का रुख नहीं मोड़ सकता, बल्कि वो तिनका खुद मौत के भंवर में फंस कर खत्म हो जाता है। मैं तिनका नहीं, मैं वो तूफान हूँ जो सिर्फ आगे बढ़ना जानता है। गिरगिट की तरह मौत के डर से रंग बदल कर पीछे नहीं हटता। अरे मैडम मैडम मैडम, मैं कब कह रहा हूँ कि आप अपना रंग बदलिए, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने इस चेहरे पर एक नया चेहरा सजा डालिए। इस हाथ से जख्म दीजिए, इस हाथ से मलम लगा दीजिए। इस तरह से आपका मकसद भी कामयाब हो जाएगा और आपको जंग हारने का गम भी नहीं होगा। और रही बात इस हार की, ये मैं आपको पहनाऊंगा नहीं। ये लीजिए, बंदा इजाजत चाहता है। मुन्ना चलो भाई। चल। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने इस चेहरे पर एक नया चेहरा सजा डालिए, इस हाथ से जख्म दीजिए, इस हाथ से मलम लगा दीजिए। इस तरह से आपका मकसद भी कामयाब हो जाएगा और आपको जंग हारने का गम भी नहीं होगा। राजा ने ठीक ही कहा था, इस गांव में अगर रहना है तो मुझे इनके जैसा ही बनकर जीना पड़ेगा। ठाकुर का आदमी? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, भाग कर रहे थे, मेरी बात तो सुनो। कुत्ता, कमीना, हरामी, जलील, भाई साहब कब से बन गया? पहले तो सच्चाई नाम के धर्म को मानती थी, लेकिन आज से तो मैंने अपना धर्म ही बदल दिया है। मेरा धर्म है मक्कारी, झूठ, रिश्वतखोरी। क्या मतलब? सच। अब तो मेरी जेब गरम करके किसी भी गैर कानूनी काम को कानून के हाथों से करवा सकते हो। अच्छा, बिल्कुल सच, 100% सच। जो रिश्वत देकर मुझसे जाएगा बच, यही है आज का कड़वा सच। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गर्मी के मौसम में बर्फ पड़ने लगी, शेरनी भी हिरनी के साथ घास चरने लगी। कसम गजरे की खा के कह रिया हूँ, ये 2000 का जमाना है, अंडे पे हाथी बैठ रिया होगा और सूरज किसी खोटे सिक्के की तरह आपकी और हमारी जेब में पड़ा होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ गुलजारी जो तुम सीधे हांक रहे हो, भविष्य के घूंघट में झांक रहे हो? कविता जी, इंस्पेक्टर तेजस्वी के मुंह पे रिश्वत का खून लग गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हारे जैसी हो गई है, बेईमानी का नगाड़ा बजाने लगी, यानी के रिश्वत खाने लगी। कसम गजरे की खा के कह रिया हूँ, बिल्ली के भागो छीका टूटा, कानून के दरोगा ने कानून को लूटा।
ए टकलो, तेजस्वनी के पास पेट भरी रिश्वत लेकर जाओ। ठीक है। ठीक है ना? आइए आइए बनारसी बाबूजी, कानून के इस मंदिर में आपका स्वागत है। ओ देवी जी, अगर ये कानून का मंदिर है तो इस मंदिर का देवी जी आप ही होंगी ना? देवी तो हूँ, मगर अफसोस इस देवी को अब तक चढ़ावा भी नहीं चढ़ा। अरे का कहते हैं देवी जी, ई का कहते हैं? अरे हम अंधे पुजारी नहीं है, जो जी में आए वही चढ़ावा चढ़ा देवे। हाँ। हम तो देवी से जाकर खुद ही पूछते हैं कि चढ़ावा कितना लोगी है? आपका चरस गांजा अफीम का धंधा है ना? का कहते हैं देवी जी, करोड़ दो करोड़ तो कमा ही लेते होंगे। हाँ? मुझे 2 लाख दे दो। कम मांग रहे हैं आप तो देवी जी, हम तो 5 लाख लेकर आए थे, 5 पर 5 मिंडी। हरम का माल है ना, 1 लाख लो, 2 लाख लो, 5 लाख लो, एक ना एक दिन तो सब कुछ खाक में ही मिल जाता है। क्या कह रही हैं आप? अरे भाई, वैसे भी सारे लोग अच्छे होते तो बेचारे नर्क का क्या होता? बुझा दी जाती। नर्क का इंजिन बनाने के लिए भगवान ने आपको, हमको बुरा काम करने के लिए तो भेजा है। हम कुछ समझा नहीं। अरे भाया, भारी बात लोगों को 12 घंटे बाद समझ में आती है, तुम भी 12 घंटे बाद समझोगे, वो भी अच्छी तरह। चलता हूँ, मिलते रहेंगे। पिताजी, मैं नहीं जानती कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ या गलत। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे मुजरिमों को खत्म करना है, जो कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर कानून से मजाक करते हैं। मेरी नजर तो सिर्फ निशाने पर है, मुजरिमों की लाशें गिराने पर है। उठती है जब निगाह तो सजदा करती है जहां, पड़ती है जब कदम तो झुक जाता है आसमां। जितने हैं कारनामे सब कारनामे हैरत अंगेज, सांसों को थाम लेते हैं जब आती है गंगा डकैत। कम चारा खा के ज्यादा दौड़ने वाली घोड़ी है। अरे वो क्या कर, उठा रहे उसको, कब से बैठा है? ये यहाँ पैसा दे, पैसा दे, चल निकाल, अभी जल्दी कर, चल भाग यहाँ से, चल 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 चल। अरे जा रे, अरे जा भाई, हमारे बाप जा। खुद हंस हंस के फंसा फंसा के सारे गांव को रुलाता है। तूने मेरे पति और मेरे बेटे को शराब पिला पिला कर मार डाला। इस गांव में न जाने तूने कितने खानदान बर्बाद कर दिए हैं। मैं तुझे पत्थर मार मार कर मार डालूंगी। ए पागल औरत, तो हमने मुंह मत लग, फुट फुट फुट। बंद कर दे, ये मौत बेचना बंद कर दे, नहीं तो हम गरीबों का श्राप तुझे और तेरे पापों को जलाकर राख कर देगा। ऐसा नहीं मानेगा तू, लगता है तेरे को एक झापड़ मारना ही पड़ेगा। अब है साली, कौन है रे? नाम है मेरा गंगा डकैत। गंगा डकैत, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अब ये नाम हर उस कमीने के कान में गुंजेगा जो चरस अफीम गांजा का धंधा करता है, खुद भी बुरी मौत मरता है, दुनिया को भी मारता है और जिल्लत की मौत मरता है। ए चौकरिया, हम किसी को संदेशा भेज कर नहीं बुलाता हूँ, लोग खुद अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं, समझे? मर्जी? अरे जब दर्जी के पास सुई होगी तो ही वो कपड़े सिएगा ना। जब ये ठेका ही नहीं रहेगा तो पीने वाले पिएंगे कैसे?
चाय बेचना, अगर दारू बेची तो मैं तुझे मौत के हाथों बेच डालूंगी, समझे? अरे भैया बनारसी, कोई चाय वाला? अरे भाई साहब, यहाँ बनारसी की शराब का ठेका था ना? टूट गया। टूट गया? कैसे टूट गया? पूछो पूछो। पहले ये बताओ, बाबू बनारसी है कहाँ? अरे मैं भी तो उसे ढूंढ रहा हूँ साला, कहाँ गया? अरे मैं भी तो हूँ। हवलदार, आपकी हालत किसे बनाई? अरे हम नाम नहीं बताएंगे उसका, हम बहुत डर रहे उसके नाम से। मुझे उसका नाम पता नंबर दो, मैं उसे अभी अंदर करती हूँ। आप सही में इंस्पेक्टर है? तो कह देता हूँ, गंगा डकैत। लगता है नई पोस्टिंग होकर आई है। लगता है उसने तुम्हें लूटा है। नहीं नहीं, तुम फिर ठोक कर गई होगी। अरे पूरी तरह ठोक कर गई है, देखे देखे कैसा जख्म देकर गई है गंगा डकैत। अरे छोड़ो गंगा दंगा पंगा, शुरू करो अपना काम लेकर प्रभु का नाम। अरे नहीं नहीं नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन नशे का धंधा नहीं शुरू करेंगे, हम चाय बेचेंगे चाय। आप चाय पियेंगे? ड्यूटी पर हम चाय नहीं पीते। अच्छा। शराब पिलाओगे? चलो चलते। अच्छा नमस्ते, आते रहिएगा जाते रहिएगा, लेकिन हाँ गंगा डकैत को छोड़ना नहीं, हम भी ढुकाई करेंगे उसकी। शराब खत्म हो गई, ये साला बनारसी अभी तक क्यों नहीं आया? साले को 3 बोतल लाने को कहा था, ये कहीं खुद साला टोन होकर तो नहीं गिर पड़ा? अरे मेरी तो नशा टूट गई यार, ऐसा लगता है कि टूटी बोतल की तरह टूट कर बिखर जाऊंगा मैं। चलो चाय, चाय गरम। चाय फेंको और हमारे लिए दारू लेकर आ, शराब विस्के। अरे ना भैया ना, अगर हम शराब को हाथ लगाएंगे ना तो गंगा डकैत है ना, हमारा खेत है ना, उस पर दफन कर देंगे हमको। गंगा डकैत, ये किस खेत की मूली का नाम है? अरे मूली नहीं भैया, मूली नहीं, मूला है मूला। देखता हुआ चूला है, देखिए देखिए जख्मों का फूल सजा के हमको रोता हुआ छोड़ गए ससुरी गंगा डकैत। कौन है ये गंगा गंगा डकैत, कहाँ से आई, कब आई और क्यों आई, जवाब दे। कौन है? मैं मुझे नहीं मालूम, तुम पता कर लेना, हम तो चाय बेचेंगे। क्या हालत देखो इसकी। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। मेरी गंगा, मैं आ रहा हूँ गंगा। गंगा मैं आ रहा हूँ। पीले पीले गंगा जल देसी शराब। इसकी माँ की आँख, क्या मजाक है बे मुन्ना। ओए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुझे याद है तेरे पॉकेट में और मेरे पॉकेट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अबे ओ अधे, इधर 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 लेवल में आ पहले तू। अपुन ने तेरे को कल 500 रुपए का नोट दिया था, उसका क्या हुआ? अबे वो 500 रुपया शराब पिया, जुआ खेला, मुजरा ठुमका देखा, खत्म हो गया। अबे हटेले, कद इतना सा और बातें इतनी बड़ी बड़ी। ओए मेरे कद को मत देख, मेरे अंदर का छुपा हुआ शौक का शैतान जब बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है। अरे बाप रे, देख बाप को याद करना छोड़ और सुन, लाला की बेटी की शादी है, चल वहाँ चलते हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब हीरे जवाहरात पहन के आ रहे हैं। ठीक है, बात कर रहा है?
चल बापू हटा सावन की घटा कर देते हीरे जवाहरात लूटेंगे और बांगड़ा का मजा लेंगे। बांगड़ा भी है क्या? बल्ले बल्ले बल्ले। मेरा गंगा डकैत। अच्छा तो तू है गंगा डकैत। अरे पगली तेरी याददाश्त खराब हो गई है,
गंगा तो गंगोत्री से निकलती है और जब दम टूट जाता है तो जाकर सागर में मिल जाती है। गंगा के कई रूप है जालिम सिंह, गंगा मीठा जल भी है और तुझ जैसे कमीने के लिए कड़वा जहर। जब तुझ जैसे कमीने इस धरती पर कोहराम मचा देते हैं तो गंगा नारी का रूप लेकर उनका जीना हराम कर देती है। वाह, अच्छा लगा रे, एक नन्ही सी जान और उसके मुंह में पहाड़ से बड़ी जबान। जा जा मुन्नी जा, ये दुकान कहीं और जाके खोल, ऐसा ना हो तेरा कांड कर दूं और तुझे जिंदा ही इस धरती में गाड़ दूं। जिंदा गाड़ना तो दूर जालिम सिंह, अगर तू मेरी चोटी का एक बाल भी उखाड़ कर बता दे तो मैं तुझे मर्द समझूं, नहीं तो कुत्ते के पेट में होने वाला दर्द समझूंगी। भूल गया, मैं भूल गया, कुत्ता जो ठहरा, कुत्ते हमेशा भूल जाते हैं और वो भी लाला की बेटी को भूल गया। अब पता है क्या करूंगा, तेरे साथ शादी करूंगा और 12 बच्चों की मां बनाऊंगा और अपने ही कांधों पर तेरे बच्चों की अर्थी उठाऊंगा। अर्थी? अरे तू क्या मेरी अर्थी उठाएगा, गंगा के सीने पर न जाने आज तक कितनी अर्थियां उठ गईं। तुम जाओ, मैं अपनी होने वाली दुल्हन से दो प्यार भरी बातें तो कराऊं। अरे जाते क्यों नहीं, मियां बीवी में रुकावट क्यों खड़े कर रहे हो? जालिम सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर गया है, तुझे इस धरती पर ही नहीं बल्कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और जिसके पापों का घड़ा भर जाता है ना, उसे मारने के लिए किसी बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये गंगा अपने हाथों से तुझे मारेगी। ये तो गंगा का है, इसने हमारा ठेका तोड़ा और हमने सभी को मारी है, नहीं छोड़ूंगा इसको आज। बनारसी, अरे मारी ना छपरी। गंगा डकैत, ये गंगा डकैत न जाने किस खेत की मूली है। पहले बनारसी को शराब छोड़कर चाय बेचने पर मजबूर कर दिया और अब जालिम सिंह को भगाकर गांव वालों से जय जयकार करवा रही है। कहीं इसका इरादा दूसरे डाकुओं की तरह इलेक्शन में खड़े होने का तो नहीं है? तब तो समझो मेरी कुर्सी गई। सही कहती हैं आप, प्रॉब्लम यह है कि ये हर जगह नकाब डाल के आती है, अगर चेहरा देख लेते तो पुलिस रिकॉर्ड से पता चल जाता कि कौन है, कहाँ की रहने वाली है और इसके माँ बाप कौन है। माँ बाप और अता पता को भूल जाओ, जालिम सिंह की तरह उसे भी अपने साथ शामिल कर लो, चारों तरफ धाक बैठ जाएगी। ठाकुर सच कह रिया हूं, झूठ बोलूं तो मुंह जल जाए। और बकवास बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें गंगा डकैत के नकाब का पूरा फायदा उठाना होगा। हम एक लड़ाकू लड़की को नकाब बनाएंगे, उसे गंगा डकैत बनाकर गांव में भेजेंगे। वो अमीरों को तो लूटेगी ही लूटेगी, साथ में गरीबों के घर से रुपया दो रुपया जो भी उसको मिलेगा वो भी लूटेगी। इससे क्या होगा, गंगा डकैत बदनाम होगी, लोगों की जुबान पर उसके लिए सिर्फ गालियां होंगी, जिधर भी वो जाएगी
उसका स्वागत होगा जूतों और चप्पलों से। बड़ी भयानक चाल चलते हो तुम। तुम्हें तो नेता होना चाहिए। तुमने कमीना देखा है? मैं कमीनों का बाप हूँ। तुमने हरामी देखा है? मैं हरामियों का बाप हूँ। ऐसी ही चाल चलकर मैंने इंस्पेक्टर गुप्ता को मजबूर कर दिया था कि वो खुदकुशी कर ले, और उसने कर ली। इंस्पेक्टर साहब बचाइए। मैडम, गंगा डकैत ने गांव पर हमला बोल दिया है। क्या जी? गंगा डकैत ने गांव पर हमला बोल दिया? जी मैडम, साहूकारों के साथ हम गरीबों को भी लूट रही है। आप चलिए ना, हमें बचाइए। अरे भाया, आज भारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी आज थाने में दो ही हवलदार हैं, बाकी सब छुट्टी पर गए हैं। अरे हाँ, गोलियां भी कम है, 5 बंदूकें तो मरम्मत के लिए गई हैं। अब ऐसे में तुम ही बताओ, मैं गंगा डकैत से भले कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? ना बाबा ना, मेरे को मरना नहीं, तुम जाओ। अरे तो काहे को पुलिस में भर्ती हुए हो, जब हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते? हम जा रहे हैं, बेकार को भर्ती हो गए। अच्छा, तू है नकली गंगा डकैत जिसने मासूम भोले भाले लोगों पर जुर्म ढाकर मुझे बदनाम किया। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने जो चाल चली थी उसे मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ठीक है तो हो जाए, चल। मैं भी देखती मारी गई। तुम लोगों के चक्कर में खूबसूरत लड़की मारी गई। हर महीने शहर जाकर 25-50 हजार कमाकर लाती थी, मेरी आंखों के सामने दौलत का उजाला फैलाती थी। गंगा डकैत ने उसे मार के ढेर कर दिया, मेरी दौलत की दुनिया में अंधेर कर दिया। आए, जब अनाज की जगह लाशें उगाने लगती है खेत, जब गरीबों के खून से लाल होने लगती है मिट्टी और रेत, तब उजाला बनकर अंधेरा मिटाने आती है गंगा डकैत। वाह 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 वाह, तेरा ये आधा मुंह, उस पर कलियों जैसी खिली हुई तेरी ये दो खूबसूरत आंखें, देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये जो होंठ हैं अंगारे होंगे, जो इन्हें चूम ना सके वो बेचारे तकदीर के मारे होंगे। चलो अपना ये नकाब उतार और भूल जा आपस की अनबन। ठाकुर साहब की 101 रखेलों में तू बन जा रखेल नंबर 1। जिस तरह गंदे खून वाले के पसीने से आती है बदबू, उसी तरह तेरी गालियां भरी बातें सुनकर आता है मुझे ये ख्याल कि तू है मुजरिमों का गुलाम और डाकुओं का है दलाल। कसम गजरे की खा के कह रिया हूं, सुना है लड़की के मुंह से फूल झड़ते हैं, मगर ये आग उगलने वाली भट्टी की तरह आग उगल रही है। मैं लोहा पिघलाने वाली भट्टी नहीं, मैं लावे से निकली वो आग हूँ जिसे देखकर भी सूरज जलने के डर से भाग जाता है। तू आग नहीं, धुआं है। मेरे गुस्से की आंधी चलते ही गायब हो जाएगी। लोग हैरत से पूछेंगे, गंगा डकैत कहाँ है? ये देखकर दुख हो रहा है कि जालिम मर्दों के साथ मिलकर नारी ही नारियों के सीने पर आरी चला रही है। अरे धिक्कार है तुझ पर। hey! अब चल ये नकाब उतार, जब से आई है बक बक करती जा रही है, अपने आप को कानून के हवाले कर दे वरना मार दूंगा गोली। पहले तू अपने चेहरे से नकली चेहरा हटा और वो चेहरा दिखा जिस पर रिश्वत के कीड़े रेंग रहे हैं। बोल, मार दूं गोली?
कान खोल कर सुन लो, गैर कानूनी काम बंद कर दो और गरीबों के पेट अनाज से भर दो, तब गंगा डकैत गुम हो जाएगी, वरना वक्त से पहले तुम लोगों की जिंदगी कम हो जाएगी। ठाकुर, तुम्हारी जेब में तो हमेशा भरा हुआ रिवॉल्वर रहता है, तो गोली क्यों नहीं मार दी? मैं गाली का जवाब गोली से नहीं, गाली से ही देता हूं। मैं सबसे पहले इसको बेनकाब करूंगा और उसके बाद इसको ऐसा नोचूंगा कि ये गंगा डकैत नहीं, मेरे दांतों और नाखूनों से नोचा हुआ चने का खेत नजर आएगी। तूने मुझे छुआ? बता तेरा इरादा क्या है, बता, नहीं तो गोली मार दूंगी। मैम साहब, अबू ने तुम्हारी आंखों के बहते हुए आंसू को देखा, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, इसीलिए अपुन ने तेरे को छुआ, और अगर इसकी सजा मौत है तो चलाओ गोली, मार डालो अपुन को। क्यों क्यों, खुद पे काबू न रख सका और पराई लड़की के आंसू पोंछने का अधिकार तुझे किसने दिया? अधिकार? प्यार करने का अधिकार सबको ऊपर वाला देता है गंगा। प्यार? हाँ गंगा, प्यार। ये राजा तेरे से बहुत प्यार करता है गंगा, बहुत प्यार। हवा शोला धूप प्यार के लिए अपना रुख नहीं बदलती। मैं बदले की आग की दहकती हुई वो नजर हूँ, मुझे फूलों का हार बनाने की कोशिश मत कर, मुझसे दूर चला जा वरना जलकर राख हो जाएगा। राख होने के बाद भी अगर तू अपने को मिल गई तो अपने को जलकर राख होने का गम नहीं होगा गंगा। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, और मरते दम तक करता रहूंगा। तो फिर मेरी एक बात मानोगी? मैं तुम्हारी सब बात मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकता। ठीक है, गंगा को बहने से और तुम्हें प्यार में डूब जाने से कौन रोक सकता है? करो प्यार, बंजर धरती पर फूल उगाने की कोशिश करो, मगर इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अब उन तेरे को अकेला छोड़कर चला जाएगा, लेकिन एक बात का वादा करता है अपुन, कि शादी अपुन तेरे से ही करेगा, तेरे को अपना बना के रहेगा। क्या था अपुन? हे भगवान, ये क्या हो गया? एक ना एक दिन मुझे ये डाकू का चोला हमेशा के लिए उतारना पड़ेगा, तब इस पागल का क्या होगा? कैसे समझाऊंगी इसे मैं? कैसे बताऊंगी कि इंस्पेक्टर और डाकू एक ही धूप के दो अलग अलग रूप हैं? तो साहिबा, इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे बचा लो। तुम्हें बचाऊं? किससे बचाऊं? कौन तुम्हें मार डालेगा? अरे वो गंगा है ना, गंगा डकैत, उसने मुझे पर्चा भेजा है, उसमें लिखा है वो आज रात मुझे मार डालेगी। वो भला तुम्हें क्यों मारेगी? तुम तो बहुत शरीफ आदमी हो। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं शरीफ कम कमीन ज्यादा हूँ, मैंने कई खून किए, कई बलात्कार किए और कई गरीब किसानों की जमीनें हत्या कर उन्हें बर्बाद कर दिया, यही मेरा शरीफाना सर्टिफिकेट है। अरे तू दूध नहीं दही निकला, जो तेरे बारे में सोचती थी बिल्कुल सही निकला। कैसी बात कर रही हो इंस्पेक्टर साहिबा, सही और गलत का फैसला बाद में करना, पहले गंगा डकैत को मारकर मेरी जान बचाओ। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सारे जुर्म कबूल कर लो, कानून तुम्हें सजा देगा और तुम गंगा के हाथों मरने से बच जाओगे। लो बात कर रही हो, मैं खाई से बचना चाहता हूँ, तुम तो मुझे कुएं में धकेल रही हो, कोई दूसरा रास्ता दिखाओ, कोई दूसरा रास्ता बताओ। एक रास्ता मैं बताता हूँ, मेरी जान बचा देना, ये लो 20,000 रुपये, तुम ले लो। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा,
पहले तुम गंगा का खत तो पढ़ के सुनाओ। गंगा का खत दोबारा पढ़ने को भी डर रही हूँ। गुलजारी लाल, आज आधी रात के बाद जब सारी दुनिया सो रही होगी और तू जाग रहा होगा, आज जल्दी कर जल्दी कर, मेरी हालत खराब हो गई है। आजा, आजा, आजा मेरे पास आ, जल्दी आजा। अरे आ रही हूँ। उतार, आजा, मेरे गले लग जा, आ गले लग जा। आहा, 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 आहा। अरे धीरे धीरे पापा, ये चिट्ठी यहाँ कहाँ से आ गई? क्या हुआ, अभी तब इतने गर्म थे एक झटके में ठंडे हो गए? अरे मौत की चिट्ठी देखकर तो अच्छी अच्छी गरम गरम भट्टियाँ ठंडी हो जाती है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, बात कर रही है तू। चिट्ठी में क्या लिखा है ये तो देख लेने दे। मैं मौत बंद कर तेरी हवेली में आऊंगी। अरे बाप रे, तू जा भाई इधर से, दिमाग खराब हो रही है। तेरे लठैत मेरा इस तरह स्वागत करेंगे जैसे मैं तेरी मौत नहीं तेरी जिंदगी हूँ। कसम भगवान की, कैसी कैसी बातें कर रही है, वो भी एक मर्द से बात कर रही है। ना कोई गोली चलेगी ना कोई हंगामा होगा, मैं तेरी हवेली में इस तरह सीढ़ियां चढ़कर तेरे कमरे में पहुंचूंगी जैसे कोई नागिन बिना आहट किए अपनी शिकार की तरफ पहुंचती है। फिर मैं तेरा दरवाजा खटखटाऊंगी। अरे कौन, गंगा डकैत आ गई, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये जालिम औरत है, इस मर्द को बचाओ। अरे गुलजारी, ये गंगा नहीं तेजस्वनी। अरे मेरे मालिक तेजस्वनी, तेरी आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। तेजस्वनी जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ, आपको देखकर मेरी जान में जान आई। जान में जान आ गई? गलत है? आप कहो जान गई। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ। आज तक तू कानून की आंखों में धूल झोंक कर बचता रहा। आज तक तूने जितने गुनाह किए उसका यह है इकरारनामा। चल इस पर साइन कर। मैं कागज पे साइन नहीं करता हूँ, दूसरी जगह बोलो साइन कर डालूंगा। साइन कर नहीं तो गंगा मार डालेगी। गंगा? किधर है गंगा? मैं ही गंगा हूँ और मैं ही तेजस्विनी। तुम जैसे कमीनों को कानूनी और गैर कानूनी सजा देने के लिए बनी हूँ। अब बात समझ में आई, उस दिन गंगा के नकाब में यही आंखें झांक रही थी, आंखें देख के बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। गंगा के हाथों मौत का सहरा नहीं पहनना चाहता है तो चल साइन कर रहे, वरना तेरी लाश देखकर लोग कहेंगे बेचारा कितनी बुरी मौत मारा गया। ए इंस्पेक्टर तेजस्वनी, जब मौत सर पर खड़ी हो ना तो मौत का डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अच्छा, तो तू मौत से नहीं डरता? अरे नहीं डरता है, अब तू मरेगी मेरी हवेली की छत से गिरेगी। रिवॉल्वर दिखा के डरा रही है, मर्द की बच्ची है तो रिवॉल्वर फेंक के बात कर। अच्छा ये ले। Yeah!
देख रही है, सर पे लगता है तो खून निकल आता है। यो तेजस्विनी, अब अपने आप को जख्मी कर ले और साबित कर दे कि इसे बचाने के चक्कर में गंगा डकैत ने तुझ पर भी हमला किया। गंगा डकैत बहुत बहादुर है। मेरी तरह बहादुर तो नहीं, लेकिन धोखे से उसने मुझे मारा। गुलजारी को जान से नहीं मारती। अरे देख लो बाबू, राजा कैसा राजा बन गया। गंगा डकैत ने तेजस्विनी को बहुत पीटा। संभाल के। अरे अरे सलाम मैम साहब। अरे मुन्ना वो कौन सा गाना था बाबू? अरे वही लंगड़ी होकर चलने की तो पड़ा मजा आएगा। लंगड़ी होकर चलने की तो पड़ा मजा आएगा। शट अप। ए अब उन तेरे शट अप शट अप से डरने वाला नहीं है क्या? बड़ी कानून की रक्षा करने चली थी, ये देख कैसी आड़ी टेढ़ी हो गई है। अरे गंगा ने मार मार कर भूसा भर दिया है। अरे मैं तो कहता हूँ इसे तेजस्विनी से नाम बदल कर जख्मी हिरनी रख लेना चाहिए। जख्मी हिरनी नहीं छोटे, लंगड़ी हिरनी। अरे गंगा ने होल्ड अप भाई, ए छोटे देख देख कैसे दुम दबा कर भाग रही है। ये इंस्पेक्टर जिसे मैं चट्टान समझा था, मिट्टी का ढेर निकली। इसने गंगा से बैठ लिया है, अब इसकी खैर नहीं। क्यों अकेले अकेले बैठ के पी रहे हो जब मैं साथ में हूँ? तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, न हम अपने गम से खाली। चलो ये भी अच्छा हुआ, न तुम खाली न हम खाली। शिकायत करना छोड़ो और मोहब्बत करना सीखो। मुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे सिर्फ नोट गिनना आता है। तो समझ लो मैं नोटों की गड्डी हूँ, मुझे गिनो मगर प्यार से। अरे तुम नोटों की गड्डी नहीं, तुम तो तिजोरी हो, तिजोरी। आज ये तिजोरी मैं पूरी लूट कर ले जाऊंगा। इस बार बहुत सही माल है कमिश्नर। हाँ चिंता मत करो यार। अल्लाह अबे छोटे अपन तो चोरी करने को निकले थे, ये देख ये तो अपने भी बाप लोग हैं। हथियारों का धंधा, कमिश्नर, राणा, अल्लाह। गंगा ने गांव के बाहर हर जगह पहरा बिठा रखा है, इसलिए इस बार ये हथियार हमें अपनी हिफाजत में सरहद तक पहुंचाने होंगे। गंगा गंगा गंगा, तंग आ गया मैं ये नाम सुन सुन के। अगर किसी दिन मेरे सामने आ गई ना तो जेल के लॉकअप में बंद करके चाबी हमेशा के लिए फेंक दूंगा। कमिश्नर ज्यादा बढ़ चढ़ कर बातें मत किया करो और इतने डरावने सपने मत देखो कि गंगा तुम्हारे सामने आ जाएगी। हम सब देख चुके हैं कि गंगा जब तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारी गिग्गी बन जाती है। डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है राणा, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अपने आदमियों से बोल के हथियार रखवाओ, हमें काली पानी पहुंचना है। मजाक कब रहा मन गया रे, चलो जल्दी करो वरना जड़े वाले। चलो चल चल उठा उठा चलो। गुरु चल चल तेजस्विनी को बताते हैं। अबे तेरी हटगेली है क्या, तेजस्विनी को बताएगा तू? वो साली चोर, धोखेबाज, फांदेबाज इंस्पेक्टर, उसको बताएगा तू? देख तेरे को चलना है तो चल, अपुन जा रहे ला यहाँ से क्या? अपुन को अपनी गंगा डकैत से मिलने का है क्या? चल बाय। जा, मैं तो तेजस्विनी को बता के ही रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब,
इंस्पेक्टर साहब। अरे तू क्या है? इंस्पेक्टर साहब, कमिश्नर और राणा दोनों मिलकर सुमो में हथियार लेकर जा रहे। तो मैं क्या करूं? करने देना जो करते हैं, तू जा अपना काम कर। अरे बाप रे, ये तो मुश्किल हो गया, अब मैं क्या करूं? कमिश्नर साहब, ठाकुर साहब की हवेली पे गंगा डाकैत ने हमला कर दिया है। क्या कह रहे हैं? आपको फौरन बुलाया है। क्या बात कर रहे हो? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ कमिश्नर बाबू? राणा, वो गंगा डाकैत ने ठाकुर की हवेली पे धावा बोल दिया है। तू ऐसा कर, हथियार लेके निकल, मैं हवेली जाके देखता हूँ। ओके, चलो बढ़िया जी। ओके ठीक है, ध्यान से जाना। चलिए गाड़ी घुमाओ। इसका मतलब ये तुम्हारी चाल थी? हाँ, ये मेरी चाल थी, क्योंकि तुम जैसे चालबाज कुत्तों को चाल चलकर ही मारा जा सकता है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पिता को भी चाल चलकर ही मारा था। और आज राणा तो ये बगैर चाल चले ही मारेगा। गंगा, जो हुआ उसे भूल जा। कैसे भूल जाओ? कैसे भूल जाओ कि तुम लोगों की वजह से मुझे अनाथ होना पड़ा? कैसे भूल जाओ मैं अपने पिता के कातिलों को? कैसे भूल जाओ बता कुत्ते, कि मुझे इंस्पेक्टर तेजस्विनी से गंगा डकैत बनना पड़ा? गंगा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, पैसे ले लो, गाड़ी में हथियार पड़े तुम्हारे काम आएंगे, सब ले लो, सब ले लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं गंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गंगा मुझे माफ कर दो। नहीं गंगा, ठाकुर, ठाकुर, हैं? ठाकुर तुम जिंदा हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे खबर मिली थी कि गंगा डकैत ने तुम्हें मार डाला है, इसीलिए मैं राणा और हथियारों वाले सुमो को छोड़कर यहाँ आया हूँ। अरे बाप रे, जितना मोटा तू है उतनी मोटी तेरी खोपड़ी है। पता गंगा ने क्या किया? ये खबर फैला के तुम्हें यहाँ भेज दिया, और पीछे वो सुमो और वो जो राणा है, सुमो भी ले गई होगी और राणा को भी जान से मार दिया होगा। अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाना नहीं है वहां, देखना नहीं है? हाँ मैं देखता हूँ। ओके, किसने पुलिस में इसको भर्ती कर दिया? राणा, इसका मतलब ठाकुर ठीक बोलता था, ये गंगा की ही चाल है। हथियार है? अरे हथियार लूट ले गई गंगा। तुम? हाँ मैं। तुमने राणा को धोखे से मारा? मैंने तो राणा को धोखे से मारा, मगर तुम कानून के रखवाले होकर भी कानून के साथ गद्दारी करते हो, और ऐसे गद्दारों को गंगा डकैत छोड़ती नहीं। समझ में नहीं आता, गंगा की आखिर हमसे क्या दुश्मनी है? उसने राणा और कमिश्नर को क्यों मार डाला? इसी बात का तो पता लगाना है कि वो क्यों हमारे एक एक करके सब आदमियों को मारती जा रही है। Thank you.
कौन है आप, क्या काम है? मैं कमिश्नर बेदी हूँ और ये है मेरा आइडेंटिटी कार्ड। मैडम आप, और वो भी इस वक्त, वो भी बिना वर्दी? एक्चुअली क्या है कि जब मैं शहर से आ रही थी तो मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, इस पर मेरे कई पुलिस वाले भी मारे गए, सिर्फ मैं बची हूँ। ये काम तो जरूर ठाकुर ने करवाया होगा। उसके दिन भी अब पूरे हो गए हैं। मैं कमिश्नर बनने से पहले सीआईडी ब्रांच में थी, और तुम्हारे पिताजी ने क्यों आत्महत्या की है वो भी मुझे मालूम है। बड़े चालाक हैं वो लोग, अपने खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं छोड़ते। तुम भी तो कोई कम नहीं हो, गंगा डकैत बनकर उन सबका खात्मा कर रही हो। आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ना तुमसे, कमिश्नर बनने से पहले मैं सीआईडी ब्रांच में थी, और अब हमें जालिम सिंह को खत्म करना पड़ेगा। मगर किस तरह? जालिम सिंह शराब और शबाब का रसिया है, और यही दोनों शौक उसकी मौत का कारण बनेगी। बस अरे देख, यही वो कमिश्नर बेदी जिसको ठाकुर साहब ने मारने का हुक्म दिया है। तुम जाओ। मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। जिसकी पतवार तूने
तूने संभाली, सुन जराओ गरीबों के वाली, सुन जराओ गरीबों के वाली।
क्या बात है तेजस्वनी, क्या सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही थी कि ठाकुर लोगों की खाल बेदर्दी से खींचता है और रात के अंधेरे में लड़कियों पर जुल्म ढाता है। ये सियासत, ये कानून उसकी रखेल है। जब मैंने देखा इस वर्दी में रहकर मैं कुछ नहीं कर सकती, तब मैंने डाकू गंगा का चोला पहना है। मैं जानती हूँ तेजस्वनी, तुम्हारे पिता इंस्पेक्टर गुप्ता की मौत जालिम सिंह की वजह से हुई है और तुम इन सब का बदला ले रही हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अपनी छोटी बहन को इन सब की नजरों से बचा के कहाँ रखा है? मैंने उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया है। मेरी बहन ममता वहाँ शहर में महफूज है। अब हम ऐसा कोई षड्यंत्र रचेंगे कि ठाकुर और उसके साथी अपने जाल में फंस जाएंगे। जालिम सिंह, जुल्म ढाने का मौका आ गया। चिड़िया आ गई शेर के पंजे में। लो, ये आ गया तुम्हारा जख्मी शिकारी। साले का थोबड़ा देखकर ऐसा लगता है गंगा ने इसे जूते से पीटा है। तुमने गंगा डकैत को मार दिया? अरे इसलिए तो मेरी पीपनी कम हो गई है, पर मारना आसान हो गया उसे। तुझे पता है इंस्पेक्टर तेजस्वनी और गंगा डकैत रूप दो हैं, पर लड़की एक है। और सुनो, इंस्पेक्टर गुप्ता था ना, ये उसकी लड़की है जिसका अपहरण करके तूने मुझे बचाया था। और सुन, कान खोल के, उसकी एक छोटी बहन भी है जो शहर में स्कूल में पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है ये भी मुझे मालूम है। जालिम सिंह, कमिश्नर बेदी, रंग में भंग मत डाल। रंग में तो अब भंग डालूंगी मैं, चल हमारे साथ चल। चल, अबे तेरी तो, अरे तेरी बहन ने तुझे शहर में छुपा कर समझा कि हम तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन देख हम तेरे तक पहुंच ही गए। तेरी बहन वो चालाक चील बनती थी जिसके अंडे चुराने के चक्कर में कौवा परेशान हुआ करता था और पेड़ों के साथ अपना सर टकरा कर जान दे देता था। साली ठाकुर, मैं शहर जा रहा हूँ, अय्याशी करो। कुछ भी कर लो मगर अपने गंदे मकसद में कभी कामयाब नहीं रहोगे। कामयाबी मिलेगी जब तेजस्वनी तेरी हालत देखेगी और फिर अपना इरादा बदल देगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तेरी बहन का बचाओ, चुका रही है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। हेलो, तेजस्विनी हियर। उर्फ गंगा डकैत नहीं कहोगी? काम की बात कर ठाकुर, आज तेरा वक्त बुरा है। तेरी नन्नी सी प्यारी सी जान यानी कि तेरी छोटी बहन मेरे कब्जे में है। अगर उसको जिंदा देखना चाहती हो तो जालिम सिंह को छोड़ दे और उसको ले जा। ठाकुर, मैंने अपने पिता की लाश पर कसम खाई थी कि जो गलती आपने की है वो गलती मैं नहीं करूंगी। मारना है तो मार डाल मेरी बहन को, लेकिन मैं जालिम सिंह को नहीं छोड़ूंगी। नहीं 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 नहीं, मारूंगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसके साथ प्यार करूंगा, उसकी इज्जत के साथ खेलूंगा। क्या खेलूंगा उसके साथ? ये काम कर, उसकी चिता तैयार रख। तू उसकी चिता की बात भूल कर अपनी चिता की तैयारी कर, क्योंकि बहुत जल्दी डुक्की पिटने वाली है कि ठाकुर मर गया। साली,
अरे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ जो मुझे आराम से लेके जा रहे हो। इस बार हम जलम सिंह छोड़ेंगे। कमिश्नर आइए आइए। कमिश्नर स्वागतम स्वागतम। एक बेदी तू, एक किरण बेदी जिसका दुनिया में नाम है, और तू क्या तेज है, क्या तेज है भारतीय नारी का, क्या तेज है। इसलिए तो तेरे माँ बाप ने तेरा नाम तेजस्विनी रखा, और जिसके माथे पर तेज होता है भगवान उसका क्रियाक्रम जल्दी कर देता है। क्यों बेदी? कानून को अपने हाथ में मत ले, एक कानून के रखवालो, एक खुशखबरी कान खोल कर सुन लो। ये कन्या जिसको जिगर का टुकड़ा कहते हो, जो ठाकुर के कब्जे में है, अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो ठाकुर चील कौए के सामने इसकी लाश को फेंक देगा। जो गलती मेरे बाप ने की थी, जिस गलती के कारण आज तू जिंदा है, वो गलती मैं नहीं करूंगी। जालिम सिंह, ये बिल्कुल ठीक कहती है। ठाकुर इसके बहन के टुकड़े टुकड़े करेगा ना, मैं तुझे रिमांड में लेकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो फिर अंदर करो, बाहर क्या रिमांड ले रही है मेरा। चल तेजस्विनी, चल चल। तमाम वकीलों की बहस और पुख्ता गवाहों के बयान सुनकर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस कार्रवाई पूरी न होने के कारण इस केस को अगली तारीख तक मुलतवी किया जाता है। मेरा नाम है जालिम सिंह। हाँ जालिम सिंह, और जालिम सिंह का दूसरा नाम है पहाड़। और पहाड़ तुम जैसे जरों से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। अच्छा अभी बताती हूँ। बता। मारते मारते तुम दोनों थक गई हो, जब मारते मारते थक जाना तो पसीना जरूर साफ कर लेना। बोल बोल जालिम सिंह। डरो डरो। बोल जालिम सिंह। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। हेलो, क्या बाबा बिहारी ने गंगा डकैत के खौफ से खुदकुशी कर ली? वेरी बैड, इतना डरपोक। वकीलों की बहस और पुख्ता गवाहों के बयानात सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डाकू जालिम सिंह ने बलात्कार, खून, डकैती जैसे घिनौने अपराध किए हैं, इसलिए यह अदालत डाकू जालिम सिंह को दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाती है। हैंग टिल डेथ। क्या तेजस्वी ने जालिम सिंह को फांसी की सजा दिलवा दी? खैर अभी मेरे पास आखिरी चाल है। आओ। सो रहा है, हा? उधर से। ये। हटना है यार। चुप सो, उधर से जाओ। आओ। ये चलो। Ah!
गंगा के सभी चाहते मेरी मुट्ठी में है। अगर गंगा नहीं आए तो मैं इन सबको पहले तड़पाऊंगा, जख्मी करूंगा और उसके बाद जान से मार दूंगा, और उसके बाद इनकी चिताओं को बिना कफन ओढ़े दफन करूंगा। ए! वो शेर नहीं है, शेर नहीं, तेरा कलेजा चीरने जरूर आएगी। लोग गंगा में अस्थियां बहाते हैं और गंगा तेरी अस्थियां गोबर में मिलाएगी, समझा? मिलेगा, गंगा से वफादारी का नाम तुझे जरूर मिलेगा। तेरी हर हरकत पर मेरी कब से नजर थी, तू गंगा का दिल है और गंगा तेरी जिगर है। देखना और अपनी आंखें सेकना, देखना मैं किस तरह गंगा को मौत का जहर मिलाकर नचाऊंगा। जो आज तक तूने देखा ना हो वो जलवे दिखाऊंगा। ठाकुर, भगवान से डर, ठाकुर भगवान से डर, वरना मरने के बाद तेरा धर कुत्ते का और मुंह मुंह सुअर का होगा, सुअर का। अबे ओ 3 फुट के बंदर, मुझे गाली देता है हा? मुझे गाली देता है, अपने बाप को गाली देता है, बाप को गाली देता है, माँ से पूछ के पैदा कैसे हुआ तू? रुक जा ठाकुर। देख ठाकुर, आ गई गंगा, मर कुत्ते। आओ। बेबस लोगों पर हाथ उठाकर इस बात का सबूत मत दे कि तू किसी कायर का पूत है या फिर किसी कुकर का मूत है। ना ही किसी कायर का मैं पूत हूँ, ना ही मैं किसी कुकर का मूत हूँ। जो वक्त से पहले लोगों को मौत दे वो यमदूत हूँ। देख ठाकुर, तेरी दुश्मनी मुझसे है, तू मुझे गोली मार दे या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन इन बेबस लोगों को यहाँ से जाने दे। अरे इन बेगुनाहों की आहों का दर्द ही तो तेरे को यहाँ तक खींच के लाया है। तू लोहा थी इसलिए मैंने इन्हें चुमक बनाकर यहाँ पे रखा है, अब मैं तेरे को चूमूंगा, बिन पिए झूमूंगा। चूमना चाटना है तो जाकर किसी कुतिया की पूंछ से खेल और लेकर जा चमेली का तेल। बोल, इनको छोड़ने का तू क्या लेगा? अगर इन सबको जिंदा देखना चाहती है तो ठुमका लगा, नाच और गा, मेरे दिल की धड़कन को घोड़े की तरह दौड़ा, टक टक। ये मुझसे नहीं होगा ठाकुर। मार मुछर मार। जब तक तू हाँ नहीं कहेगी इन सब की दर्द भरी आवाजें सुनती रहेगी, चीखे सुनती रहेगी, मार मुछर और मार। मार मार के सबको लहू लुहान कर दे, मार। रुक जा ठाकुर, मैं ठुमका लगाने के लिए तैयार हूँ। पहले अपनी रोनी सूरत पर मुस्कान ला, लोग कोठों पर मुजरा देखते, आज हम जंगल में मुजरा देखेंगे। ऐसा मुजरा दिखा जो आज तक ना किसी ने किया हो, ना सुना हो, ना देखा हो। चल शुरू हो जा। महफिल में आज शौक से मुजरा करूंगी मैं, महफिल में आज शौक से मुजरा करूंगी मैं। जलवे तुम्हें दिखाते थे, जलवे तुम्हें दिखाते थे, पर्दा करूंगी मैं। महफिल में आज शौक से मुजरा करूंगी मैं, महफिल में आज शौक से मुजरा करूंगी मैं। We'll be right back.
महफिल में आज शाह से मुजरा करूंगी मैं। चल भाग, चल गुरु, चल छोड़ ठाकुर। बहुत
खेल लिया तूने मौत का, असली खेल क्या होता है आज मैं तुझे बताती हूँ। अभी तक मैं जिंदा हूँ, मेरे जीते जी ठाकुर को कोई नहीं मार सकता। ये शक्कर है तो मैं शरबत हूँ, ये दिल है तो मैं उसकी चाहत हूँ। जो लोग आपको प्यार करते हैं वो लोग शोलों जैसे भड़कते हैं, उनके खून के हर एक बूंद में अंगारे दहकते हैं। कमिश्नर साहिबा, आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया, मैं अपने आप को कानून के हवाले करती हूँ। गंगा, मैं कानून से कम सजा दिलाने की कोशिश करूंगी तुमको, आओ मेरे साथ। गंगा, जब तक तू जेल से बाहर नहीं आती ये राजा तेरा इंतजार करेगा, क्योंकि ये राजा तेरे को बहुत प्यार करता है गंगा, बहुत प्यार। अभी देखना अपुन की गंगा इधर आएगी, समझा गया? देख 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 आ गई गंगा। गंगा तू अंदर जेल में अपनी सजा काट रही थी और राजा यहाँ अपनी सजा काट रहा था। तेरी याद में इसने कितने ही आंसू बहाए ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो और खुशी खुशी रहो। राजा ने मुझे याद किया? हाँ गंगा, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। राजा तुमने मेरे लिए आंसू बहाए? ए, ए, चने के झाड़ पे मत चढ़ जाना। क्या मेम साहब झूठ बोल रही है? ए, मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, आप सच बोल रही हैं। एक्चुअली अपुन ने तेरे को बहुत याद किया रे। ए, इधर आ। बहुत याद किया।